हेलो एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले मैंने पीसा है चने का आटा और आज बनेंगी चने की रोटियां मेरे यहाँ, और मैंगो शेक, लहसुन की चटनी, और उसमें साथ में होगी दाल सब्जी। जो भी जिसको पसंद आएगा वैसे खाएंगे। और ये देखिए, छोटी सी चक्की है मेरी, उसी पे मैं आटा पीस लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना ज़रूरत होती है मुझे। आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी, चने की रोटी और मैंगो शेक। ये लिए मैंने 3 आम, लंगड़ा आम है ये, और इसमें डालूंगी 1 बाउल चीनी और 2 किलो लेंगे इसके अंदर ये दूध। अभी हम इसको पीसते हैं। सबसे पहले मैं आम का पल्प बना लूंगी। ये पल्प को मैंने दूध में डाल दिया है और अब इसको पूरे को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंगो शेक बन के हो गया हमारा तैयार। और इसको रख दूंगी फ्रिज में। ये देखिए, तो मैंगो शेक हो गया तैयार। और इसमें आप जिसको बर्फ डाल के पीनी होगी पी लेंगे। इसके साथ में बनेगी चने की रोटी और लहसुन की चटनी। और ये लिया है मैंने चने का आटा। इसे बहुत थोड़ा सा गेहूं का आटा डालूंगी, पूरी चने की रोटियां ही बनेंगी ये। और जब तक मैं करती हूँ लहसुन की चटनी की तैयारी, और दाल सब्जी भी रखा है, जिसको लेना होगा वो भी लेंगे। और ये चने का आटा है, ये लहसुन की चटनी हो गई है तैयार। और लहसुन की चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी 2-3 बार डाल रखी है, और चने की रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, लाल मिर्च होती हैं, लहसुन होता है, जीरा होता है और नमक होता है। और इसमें आप चाहें तो घी का छोंक लगाएं। इसमें बहुत तेज़ मिर्ची लगे तो आप दही डाल के भी खा सकते हैं इसको, और ये हर टाइप में बहुत अच्छी लगती है। जितना मैंने चने का आटा लिया था उससे आधे से भी कम मैंने गेहूं का आटा लिया है। और इसमें डाल देंगे नमक, मैंने आटे को छाना नहीं है पीसने के बाद। और अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक बाद में डालने से आटा बहुत ही मुलायम और अच्छा हो जाता है। और इसमें थोड़ी सी लगा दूंगी लोच। हल्का तेल लगा दिया मैंने इसके अंदर। 5 से 7 मिनट ऐसे आटा को ढक के रख दूंगी मैं, और भी मुलायम हो जाएगा और इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। ये हमारी लहसुन की चटनी निकाल ली है मैंने एक बाउल में, और ये कई दिन तक ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में रखी रहेगी तो ये कई दिन चलेगी। और तवा चढ़ा दिया है गैस पे, अब बनानी शुरू करूँगी रोटियाँ। तवे पे लगा दिया मैंने थोड़ा सा घी ताकि हमारी रोटियाँ चिपके नहीं, और इसको पोंछ दूँगी। थोड़ा सा लगाऊंगी चिकना हाथ, क्योंकि पानी के हाथ लगा के बनाते हैं, पानी के हाथ की रोटी मुझे नहीं आती है बनानी, तो मैं चिकना हाथ बना के ही। ऐसे ऐसे करके हाथ चिकना कर लिया मैंने, और ये रोटी को
ऐसे की लोई, ऐसे की, और ये देखिए एक तरफ से रोटी सिक गई है, दूसरी तरफ पलट दूंगी और फिर दूसरी रोटी को मैं ऐसे कर लूंगी और ये इसको फिर ऐसे बढ़ाओ। जैसे हमारी माँ वगैरह थी वो तो पानी का हाथ लगा के बनाती, लेकिन पानी के हाथ की मुझे बनानी नहीं आती है, तो मैं चिकना हाथ लगाती हूँ और इस रोटी को ऐसे करके बढ़ा दूंगी धीरे धीरे। अब मैं चला लेती हूँ दूसरी गैस रोटी सेकने के लिए और मेरी ये दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है और इसको मैं पहले उल्टा करके सेकूंगी, उल्टा करके सेकूंगी, गुलाबी गुलाबी हो जाएगी ये, फिर खड़ा करके सेकूंगी इसको तो हमारी रोटी फूल जाएगी। एक रोटी मेरी तवे पे सिकती है और एक मेरी तैयार कर लेती हूँ मैं जब तक हाथ से। इसको उधर रख दूंगी और इसको डाल दूंगी, गैस कर दूंगी थोड़ी तेज रोटी सेकने के लिए। मैं चाहे गेहूं की रोटी हो, मक्का की हो, बाजरे की हो, दो गैस जला के ही सेकती हूँ हमेशा, आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। ये देखिए कितनी लाल लाल और अच्छी रोटी सिकी है हमारी। ये देखिए खाने की थाली तैयार है हमारी और इसके साथ में है ये हमारा मैंगो शेक। ये देखिए पसंद आए मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा डिनर तैयार, चने की रोटी, लहसुन की चटनी, आलू गोभी की सब्जी, दाल और मैंगो शेक।